अलवर रेलवे स्टेशन से गुजरती मरुभूमि एक्सप्रेस और स्टेशन पर टहलते हुए जहूर खां, एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार। मगर क्या आप उनको पहचान सकते हैं? अलवर भीड़भाड़ से दूर है, बहुत दूर। यहां शोर नहीं है, लेकिन इसे सुनिए। जहूर खां मेवाती अपने बेटे और पोते के साथ बैठे हैं। वो अपनी परंपरा को अगली पीढ़ियों को सौंप रहे हैं। भपंग कई दूसरे वाद्यों से अलग है, इसीलिए इसकी पहचान भी अलग है और जहूर खां की भी। भपंग और अलवर का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचा चुके हैं जहूर खां, लेकिन आसमां की ऊंचाइयों और जमीनी हकीकत में क्या फर्क है, जहूर खां से बेहतर कोई नहीं जानता। जहूर का सफर शुरू हुआ राजस्थान के एक छोटे से गांव में। नन्ना जहूर दिन भर बैठा भपंग बजाता रहता, वो भपंग जो उसकी 18 पीढ़ियां बजाती आ रही थीं। लेकिन पेट परंपराओं से नहीं भरता। परिवार चलाने के लिए जहूर अलवर आ गए और एक बीड़ी के प्रचार के लिए भपंग बजाने लगे। यही जहूर की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। फिल्म शूटिंग के लिए आए कुछ लोगों की नजर जहूर पर पड़ी। वक्त का बहाव जहूर के मुताबिक था। फिल्मों में इस पारंपरिक लोक संगीत का दिल खोलकर स्वागत हुआ। भपंग निराली थी, जहूर खां के हाथों में परंपरा का जादू था और हर तान में हमेशा के लिए कुछ नया ढूंढने वाली फिल्म इंडस्ट्री को नयापन मिला भी। मुंबई की भीड़ में जल्द ही खुली फिजा के अलवर के संगीत का दम घुटने लगा और जहूर अपनी मिट्टी से फिर जुड़ने वापस आ गए। शायद यही जहूर खां की एक भूल थी। भपंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखने वाले जहूर को जिंदगी की असली सच्चाइयां नजर आने लगी। अब हर दिन एक संघर्ष बन गया। खत्म होती भपंग को नई जिंदगी देने का ख्वाब देखने वाले जहूर खां को अपना चूल्हा जलाने के लिए कई मुश्किलें पेश आईं। सब मतलब के बेमतलब को अड़े ना, सारी मतलब की संसार बेमतलब को अड़े ना। मतलब के काम निकला कोई काये पूछता भी नहीं मेरे भाई। जग में रहना है तो मूर्ख, अजी चीज छोड़ दे यार। धुन के पक्के जहूर के लिए सामने आने वाली हर चुनौती आगे बढ़ने की प्रेरणा थी। हर चोरी चुगली जामनी मत देख पराई ना। अपनी कला को लेकर जहूर ने दुनिया के कई देशों में अपना और भपंग का नाम किया। भपंग को बचाने और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जहूर ने अपनी अगली पीढ़ियों को भपंग बजाने की कला सिखाई। जहूर के बेटे फारूक ने तो इस कला को बचाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। कहे किससे, गुस्सा तो खूब आता है मगर कोई सुनने वाला हो जाओ ना। लेकिन अब
फारूक को अपने फैसले पर पछतावा है। धन दौलत नहीं चाहिए कलाकार को, मगर दोनों चीज मिला के ऐसा हो कि घर का गुजारा भी चल जाए और लोक कला भी बची जाए। भपंग की आवाज गुम हो रही है उस शोर में जिसे अब संगीत कहा जाता है, और भारत की धड़कन कहे जाने वाले लोक संगीत की इस अनोखी तान को सुनने वाला कोई नहीं है। भगवान जगत में एक लो चंदा सूरज दो, भगवान जगत में एक लो तो चंदा सूरज दो, फिलहाल जहूर खान ने अपने पोते तक इस परंपरा को बढ़ा तो दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भी इसे कायम रखे। अब भपंग को जिंदा रखने का जिम्मा जहूर के पोते यूसुफ का है, लेकिन यूसुफ के नाजुक कंधे हालात से लड़ते लड़ते कहीं थक तो नहीं जाएंगे? कहीं भपंग भी गुमनामियों के उन अंधेरों में तो नहीं खो जाएगी जहां भारत की कई महान कलाएं और कलाकार चले गए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने भी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर इनके जवाब वक्त रहते नहीं ढूंढे गए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और कला का ये एक पन्ना इतिहास में ही कहीं दफन हो जाएगा। वो दिल के जिस मोहब्बत की तेरी बुआ आए, आंख दे नजर तू ही तू आए, उन्हीं के काम इलाही मेरा लहू आए, रंगे जो हाथ लहू में वफा की लहू आए, मजा तो सोबत तेरे ना गए वाइस सदा हम पीने तेरे।